राणा पूंजा जी, यदि आप और आपके भील साथी इस मार्ग पर रहेंगे तो फिर वो मुगल आगे कैसे बढ़ पाएगा? भीलराज, बात क्या है? सब ठीक है ना? अकबर ने निर्णय लिया है कि वो फूल कंवर के साथ नागौर में ही विवाह करेगा। वो मारवाड़ जाएगा ही नहीं। कौन है यह लड़की? कहीं अकबर की गुप्तचर तो नहीं? नहीं नहीं, हम जासूस नहीं हैं। नहीं नहीं भीलराज, ये तो फूल की दासी है। मुक्त कर दो इन्हें। कुंवर प्रताप, आपके लिए। वो मुकर मुकर छू तक नहीं पाएगा हमें को बताता था। उसके अपवित्र हाथ हमें छुए छुए इससे पहले इस संसार से जा चुके होंगे हम। ये फूल इतनी बड़ी मूर्ख है। ये सब मैं विश्वास नहीं हो रहा कुंवर प्रताप कि फूल ऐसा कर सकती है। हटी भले ही है वो, पर मरने वाली बात। क्या हुआ कुंवर प्रताप, कहां जा रहे हैं आप? हम फूल को बचाने जा रहे हैं उसी मुगल से। हम उसे मरने नहीं दे सकते, किसी हाल में नहीं। खंबा गड़ी राम सिंह जी। क्या नहीं खंबा? आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रही होगी। यहां तक शहनशाह ने खुद आपके लिए सलाम कहलवाया है। वैसे अब आपसे हमारी भेंट विवाह मंडप में ही होगी। कोई आपत्ति तो नहीं है आपको इस बाबत? मानसिंह जी, अब छोड़िए ना हमारे साथ औपचारिक दिखावे। क्या आवश्यकता है इन सब चीजों की, जब पहले से ही तय है कि शहंशाह अकबर की हर इच्छा हमारे लिए आदेश है। इसके लिए कोई जगह ही नहीं है मानसिंह जी। सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं दिल हार बैठे बचपन में शहंशाह आप पे। हम वो हैं जो रात दिन आपके सपने देखते हैं। हीर का नाम तो सुना ही होगा ना आपने। बस एक बार आपका निकाह हो जाए फिर बहुत वक्त दे पाएंगे वे आपको। खूब जमेगी आप दोनों में आपसी गुटरगू, फिर आप दोनों आराम से साथ साथ बैठकर सोचिएगा कि क्या खोया क्या पाया आप दोनों ने हमसे। मुरझाया हुआ फूल कम खुशबू देता है, इसलिए हम चाहते हैं या फूल को इस तरह तैयार करें, इस तरह तैयार करें कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन नजर आए, जैसी खूबसूरत दुल्हन कभी हुई ही ना हो आज से पहले कभी। और हौसला बढ़ाएं उसका ताकि वो खिल उठे और हम डूब सकें उसकी खुशबू में।
जी। वैसे हमारे होने वाले शहजादे का ठीक से ख्याल तो रख रही हैं ना आप? जी, रख रहे हैं हम। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बचा लीजिए मारवाड़ को। हम कह रहे हैं काट दीजिए हमारी गर्दन। यदि हमने प्रस्ताव ठुकराया तो अकबर हमारे साथ करेगा। हमने सुना है कि अकबर बहुत ध्यान रखते हैं अपनी पत्नियों का, और फिर बचपन से उन्होंने हमें पसंद भी तो किया। बस फूल, बस बस, हर बात की सीमा होती है। जो कुछ भी कह रहे हैं सोच समझ कर कहिए, जो भी मन में आ रहा है बस कहे जा रही है। यदि आपने ना की तो यही विवाह का जोड़ा हम सबके लिए मृत्यु का आदेश बन जाएगा। निगाहें निगू मल्लिकाए हिंद महारानी हीर बेगम, जलवा आफरोज हो रही है। आप तो सच में बहुत सुंदर है फूल। हमें प्रसन्नता है कि आपका विवाह शहंशाह से हो रहा है, क्योंकि जितना हमने आपके विषय में सुना उससे लगता है कि आप अवश्य ही उन पर अच्छा प्रभाव डालेंगी। आप सो पाती है चैन से हर रात, क्योंकि हर दिन उस मुगल की पत्नी के रूप में आपको उठना पड़ता होगा। कर पाती है स्वयं अपना ही सामना हर दिन दर्पण में। बरसों पहले जब हम आपकी अवस्था में थे तो हमारे मन में भी यही विचार आते थे, तो धीरे धीरे हमने अपने इस निर्णय को अपना धर्म संगत बना लिया। कभी सुनैना ने अपने आंखों पे पट्टी बांध कांधार को एक अंधे व्यक्ति से विवाह कर बचाया था, हमने भी अपने राज्य को बचाया है, अपनी मातृभूमि को बचाया है। पहले तो कृष्ण भी बलिदान का सम्मान करते थे, और अब आपने भी कटाक्ष कर दिया। हमारे इस त्याग को कायरता समझ, पर हमें संतोष है कि हमने अपने राज्य और परिवार के लिए कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के लिए योगदान दिया है। आप भी तो वही कर रही हैं ना फूल? हमें क्षमा कर दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे हमने आपको कटु शब्द कहे। बुरे नहीं है वो, मन के अच्छे व्यक्ति, हमने उनके व्यक्तित्व का अच्छा वाला भाग देखा है जो वो इस संसार से छिपा रहे हैं। हमने जो देखा है और सुना है हमारे लिए तो वही बहुत है इस जीवन। अस्वीकृति की बजाय सुख और संतोष को अगर चुनोगी तो जीवन में कम कष्ट होगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसे चाहकर भी आप नहीं बदल सकती फूल। वहां विराजमान होइए। कन्या कहां है? वो हमारे यहां पहले विवाह में वर आता है, बाद में कन्या आती है। शहंशाह आ तो गए हैं हम। हाँ, अभी अभी लेके आते हैं हम। कड़ी सुरक्षा में भीतर जा पाना असंभव लग रहा है कुंवर प्रताप।
यदि आपने ना की तो यही विवाह का जोड़ा हम सबके लिए मृत्यु का आदेश बन जाएगा। बेटी क्षमा कर देना, अपने इस विवश बाप को क्षमा कर देना बेटी। क्योंकि आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं शहजादी फूलकंवर, कुछ भी। आपके बिना हमें अपनी जिंदगी बेमानी से लगने लगी, इसलिए आज बल्कि इसी लम्हे से हम आपके आपके और आप हमारी। जो कुछ भी हमने अब तक हासिल किया है उन सब से ज्यादा वक्त और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हमें इसे हासिल करने में। हम पूजा आरंभ करें, शुरू किया जाए। स्वस्ति न इंद्रो विधसवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न ताचर्यो। सुनिए सुनिए, रुकिए सब लोग। फूल बाईसा अब मंडप पहुंच चुकी है, अब आरंभ होने वाला है उनका विवाह। अब क्या करें कुंवर प्रताप, यहाँ तो बहुत पैरा है। अब इनका ध्यान भटकाने की आवश्यकता है। हम हैं ना आपके लिए। राणा पूजा, आप अच्छा ठीक है, आप अपने भील साथियों से कहिए मैं इनके पीछे जाकर पीछे से एक छद्म आक्रमण करें। ऐसे में कुछ मुगल सिपाहियों का ध्यान जो है उस ओर बटेगा और उसी समय का लाभ उठाकर महल में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद भी हमें संकट दिखाई दे रहा है आपके प्रवेश में कुंवर प्रताप। नहीं नहीं चंद्रसेन जी, नहीं। जैसे हमारे भील साथी पीछे से आक्रमण करेंगे, सामने से आप लोग हैं ना हमारी सहायता करने के, बस देखते रहिए कि मुगल सिपाही जो है हतप्रभ रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। युद्ध का सबसे सुनहरा नियम यही तो है कि जब शत्रु आपसे आक्रमण की अपेक्षा न करें और फिर देखिए विजय जो है आपकी ही होगी। यही सीखा है हमने उस मुगल से। साथियों सब लोग महल के पीछे पहुंचो। स्वस्ति न इंद्रो विधसवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा,
स्वस्ति न ताचर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर् ददात् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणम्। दक्षिण की दीवार पे हमला हुआ है, चलो मेरे साथ। चलो। हर हर महादेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणम्। ओम उमा। दरवाजा खोला जाए। यदि हमें अपने अगले जन्म के बारे में तनिक भी पता होता कि मरने के बाद ही आएंगे, तो कब के मर जा। चले फूल, शीघ्र चलिए। चैनी को पकड़ो इसे। आइए फूल, चलिए हमारे साथ। विवाह की बधाई है मुगल। हम जाने नहीं देंगे कुंवर प्रताप, इस द्वार से आप बाहर नहीं जा पाएंगे। रोको दे फौरन, वरना किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। सिपाहियों पकड़ो उसे। भीलों के कारण बच निकले वे, उन्होंने ही बचाया उसे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि भील उसका साथ दे कैसे रहे। कहां गए होंगे वो साथ? एक ही जगह, जंगल।
क्योंकि वहां कोई सरलता से नहीं जा सकता। जो भी वहां जाता है भील उसे मार देते हैं। मान सिंह जी, हमारे हर सिपाही को भेजिए, हर कीमत पे चाहिए हमें वो दोनों। जी शहंशाह। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.